वेलकम बैक दोस्तों, आपको स्वागत है आपके चैनल एक्सपर्टीज में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि आर स्टूडियो को कैसे इंस्टॉल करना है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। गूगल क्रोम में जाइए, डाउनलोड आर स्टूडियो टाइप कर लीजिए और ये जो पहला लिंक आएगा उसे खोल लीजिए। तो जो दोस्तों लिंक है वो ये वाला जो लिंक है इसमें ध्यान में रखिए, वाला लिंक पे आपको जाना है। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे वर्जन अवेलेबल है, तो हम इसमें से जो लेंगे, हमें जो चाहिए वो ये फ्री वाला वर्जन चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए सफिशियंट वर्जन है। तो चलो दोस्तों इसे डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको बहुत सारे ये वर्जन दिखाएगा, तो इसमें से हमें जो चाहिए वो ये वाला वर्जन चाहिए। हमारी जो ओएस है वो विंडोज 10 है। अगर आप विंडोज यूजर हो तो आप ये वाली पहली वाली जो लिंक है इस पर क्लिक कीजिए। मैक ओएस है तो उसके नीचे वाली लिंक, और यूबंटू वगैरह जो अगर आपके दूसरे वर्जन है तो नीचे अदर लिंक दिए है वो आप ले सकते हो। तो चलो दोस्तों हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। मैंने इसे डाउनलोड कर लिया है, तो दोस्तों ये फोल्डर खोल लीजिए जहाँ पे आपने इसे डाउनलोड किया है। इस पर राइट क्लिक कर दीजिए और ओपन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, नेक्स्ट इंस्टॉल। दोस्तों इंस्टॉल हो चुका है, देखो दोस्तों इंस्टॉल हो चुका है। तो अगले ट्यूटोरियल से हम देखेंगे कि इसमें प्रोग्राम वगैरह कैसा लिखना है और रन करना है। तो चलो दोस्तों इस ट्यूटोरियल में इतना ही, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आए तो उसे कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और जिन्हें भी डाटा साइंस सीखने में इंटरेस्ट है उन्हें मेरे चैनल के बारे में बताइए, मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट डाटा साइंस पढ़ाऊंगा।